बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम टू माय चैनल घर का खाना विद नूरजहान किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ईद स्पेशल सूखी सेवई, जो सिर्फ 10 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी। खिली खिली सेवई बिना चिपके, जो सिर्फ घर की थोड़ी चीज़ों में बन जाती है। इसे बनाने के लिए ना दूध चाहिए, ना मावा और ना ही मिल्क पाउडर, फिर भी खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगती है। तो आइए शुरू करते हैं देर किस बात की। देखिए, यहाँ पर हमने 250 ग्राम सेवई का पैकेट लिए है और इसे हाथों से तोड़ रहे हैं। इसके हम बारीक टुकड़े नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम इसे भुनेंगे तो ये ऑलरेडी बारीक हो जाएगी। तो देखिए, हमने इसे इतने साइज़ में ही तोड़ कर लिए हैं। तो बिल्कुल इसी तरह तमाम सेवई को हमने तोड़ कर लिए हैं। अब हम चलते हैं कढ़ाई के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच हमने देसी घी लिए है। देखिए, ये पूरा डालेंगे और इसे डाल के अच्छी तरह गर्म होने देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम है। घी अच्छी तरह मेल्ट होने पर हम डाल रहे हैं सूखे मेवे, जिसमें हमने लिए है थोड़ा बादाम, काजू और पिस्ता। इसे हम सिर्फ 1 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, ताकि इसका कच्चापन पूरा निकल जाए। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे और लाल भी नहीं होने देंगे, वरना कड़वा लगता है। तो देखिए, हमने इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई किए हैं और इसे प्लेट में निकाल कर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है और ये अच्छी तरह क्रंची हो गए हैं। अब हम इसी घी में डालेंगे 1/2 चम्मच हरी इलायची का पाउडर और इसे अच्छी तरह फ्राई होने देंगे। अब इसमें हम डाल रहे हैं सेवई, जो हमने तोड़ कर लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब आपको कढ़ाई भरी हुई दिख रही है, मगर जैसे ही हम इसे भुनना शुरू करेंगे इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी और इसे हम स्लो फ्लेम पर भुनेंगे, ताकि ये जले ना। देखिए, बहुत ही संभाल के और बहुत ही अच्छी तरह हम इसे भूनते जा रहे हैं। और इसे भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, कलर भी चेंज हो रहा है और बहुत ही अच्छी खुशबू पूरे घर में आ रही है। अब आप देख सकते हो सेवई की क्वांटिटी कम हो गई है और कलर भी अच्छी तरह गुलाबी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर। हमने यहाँ पर 5 से 6 चम्मच शक्कर लिए हैं। आप अपने हिसाब से ले सकते हो। आप शक्कर की जगह शुगर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसे भी डाल के अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। अब इसके बाद हम डालेंगे पानी। हमें सूखी खिली खिली सेवई बनानी है, इसलिए हम यहाँ पर 1 कप यानी 200 ml पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसे भी डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए ढक के रखेंगे, ताकि ये दम में अच्छी तरह पक जाए। देखिए, अभी तक हमने गैस का फ्लेम स्लो रखे थे और उसी में पूरा प्रोसेस हो रहा था। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे, ताकि अच्छी तरह भाप में हमारी सेवई बन जाए। 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए, सेवई बिल्कुल अच्छी तरह खिली खिली बनी है। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और आप देख सकते हो सेवई बिल्कुल चिपकी हुई नहीं है। हम इसे फोक की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। इससे भी बिल्कुल अच्छी तरह छुट्टी छुट्टी और खिली खिली बन जाती है सेवई। तो आप देख सकते हो बहुत ही झटपट, बहुत ही आसानी से खिली खिली मीठी सेवई बनके तैयार हो गई है। हम इसमें डाल रहे हैं फ्राई किए हुए सूखे मेवे और इसे भी डाल के अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और 2 से 3 मिनट ढकने के बाद हम आपको इसे सर्व करके दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत ही खिली खिली सूखी मीठी सेवई बनके तैयार हो गई है, बिना झंझट, बहुत ही झटपट और बहुत ही आसानी से। देखिए, बिल्कुल आपस में चिपकी हुई नहीं है और खाने में भी बहुत टेस्टी बनती है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही आसान और इजी तरीका है और बहुत ही कम चीज़ों में बनके तैयार हो गई है। तो उम्मीद है और यकीन है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए, जिससे मेरे आने वाली तमाम रेसिपी आपको सबसे पहले देखने मिले। तो अब हम मिलेंगे नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़, इंजॉय योर डे, बाय। दुआ में याद रखिए।